जनपद मुरादाबाद के शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुराई पर अच्छाई की जीत, विजयदशमी पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। जी हाँ, हर ओर बधाई दी गई और हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत अगवानपुर में भी बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण के पुतले का दहन किया गया। रामलीला कमेटी अगवानपुर द्वारा सभी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली गई थी और क्षेत्र में मेला भी आयोजित कराया गया था। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष दशहरा मेला और बेहतर करने का प्रयास किया गया। नगर पंचायत अगवानपुर के चामुंडा मंदिर के प्रांगण में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण के पुतले को दहन किया गया। इस दौरान कलाकारों द्वारा भगवान श्री राम के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया गया। जैसे ही रावण के पुतले में आग लगाई गई, वैसे ही पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। पूरा वातावरण राम भक्ति में झूम उठा। इस दौरान भारी संख्या में रामलीला कमेटी अगवानपुर के सभी सदस्य मौजूद रहे और सभी की मौजूदगी में कार्यक्रम को संपन्न किया गया। इस दौरान थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का काफी इंतजाम था। रामलीला कमेटी के सदस्यों का कहना था कि सभी का भरपूर योगदान रहा है और आयोजित दशहरे मेले में यहाँ पर आसपास के गाँव के लोग भी पहुँच कर इसका लाभ ले रहे हैं। अभी 5 मिनट है। हाँ, खुश अगवानपुर में रावण दहन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आकाश पालपुर, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, भाजपा नेता अंशुल गुप्ता के साथ अन्य पार्टी के पदाधिकारियों ने पहुंचकर रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी और बुराई पर अच्छाई की जीत, विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं दी। भगवान श्री राम के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी से अपील भी की गई।
हमेशा की तरह इस वर्ष भी बहुत हर्षोल्लास के साथ आज हमारी रामलीला को होते हुए 10वां दिन है। तो आज दशहरा का मेला लगा यहाँ पर और 70 फीट ऊंचा रावण का पुतला हमारी कमेटी अगवानपुर के द्वारा लाया गया था, जिसका हमने दहन कर दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, बुराई को खत्म कर दिया है। असत्य पर सत्य की जीत, अंधेरे पर प्रकाश की जीत। हमारे अगवानपुर में जो है आज जो है 85वीं जो है दशहरा का मेला, जैसे कि हमने सुना है, आज उसका सफल आयोजन रामलीला कमेटी अगवानपुर की ओर से हुआ है। बाहर से आए सभी श्रद्धालुओं का, दुकानदार बंधुओं का रामलीला कमेटी अगवानपुर की ओर से आभार, धन्यवाद। कैसा रहा इस बार देवी सारा आपका आयोजन और कैसे सहयोग रहा सबका? आयोजन बिल्कुल हर वर्ष की तरह बहुत बढ़िया रहा। आसपास 10-15 गांव पड़ते हैं, सभी गांव से लोग यहां पर मौजूद रहे हैं और भारी संख्या में यहां पर भीड़ मौजूद रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी आज यहां पे आपके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी, भूपेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, आज यहां पर लगभग 3 बजे आज पहुंचे थे और उन्होंने भी यहां पे 2 शब्द बोल के मेले की चार शोभा बढ़ा दी। आज के दिन युवाओं से क्या कहना चाहते हैं विजयदशमी के अवसर? युवाओं से यही बोलना चाहते हैं, जैसे भगवान श्री राम ने बुराई से अच्छाई की जीत करी और अब एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो उनका वो है उसी के आगे चले और उनके किए हुए कार्यों को करें।